हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो शो। गाइस, फाइनली मैं एक नया ट्राइपॉड खरीद लिया हूँ। इधर देख सकते हो कोडाक T210। तो देखो, लाइट वेट ट्राइपॉड ये वगैरह सब लिखा है। और भाई, और एक चीज़ है जो मेरा सबसे ज़्यादा प्यारा है मेरे पास, ब्रास्टो स्टील फील्ड इजिल। तो भाई क्या बताऊँ, ये वाला तो मेरा सपना था खरीदना, तो अल्टीमेटली मैंने खरीद लिया। तो आउटडोर जाने में ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाता है इससे। तो देखो, इसका प्राइस है करीबन 2799, करीबन 2800 का ये आता है। तो बट मेरे को इतना ज़्यादा प्राइस पे करने को नहीं पड़ा था, ऑनलाइन में उससे भी ज़्यादा सस्ता आपको मिल जाएगा। तो आप अमेज़न में चेक करोगे तो उधर आपको सस्ता ही मिल जाएगा। और भाई, मैं इन दोनों चीज़ का अनबॉक्सिंग आज दिखाऊंगा। और भाई, मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा वाटर कलर पेपर वगैरह है। देखो भाई, इधर ये है मैस्ट्रिया ब्रांड का, ठीक है। तो देख सकते हो मैस्ट्रिया पेपर प्रोडक्ट्स। देखो मैस्ट्रिया 300 GSM, भाई बहुत सारा पेपर वगैरह है। मैस्ट्रिया है, कैंसन है, और गाइस क्या बताओ, आर्चेस भी है। तो वो भाई सारे चीज़ आपको दिखाऊंगा। और भाई, मेरा ओपिनियन दूंगा भाई कौन सा पेपर आपके लिए अच्छा होगा। और मेरा कुछ काम भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा भाई, कौन सा पेपर में कौन सा काम अच्छा होता है। तो भाई, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। और भाई, जो भी चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर दो। तो देखते रहो। सो गाइस, चलो पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, कोडक का ट्राइपॉड का। गाइस, दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इधर कोडक का ब्रांडिंग भी दे दिया है, कोडक का ब्रांडिंग है, हल्का से लिखा है कोडक। ऐसे ये देखो, इसका हाइट मेरे से थोड़ा सा छोटा है। और भाई, मेरा हाइट है करीबन 5'3" या 4", और ये है पूरा 5 फीट का। क्योंकि इसमें जो मोबाइल फ़ोन होल्डर दिया गया है, और भाई इसमें जो मेकानिज़म है जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ में, और भाई जो मोबाइल फ़ोन होल्डर दिया है ना, ये भाई काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और भाई काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी है, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाता है। और भाई, जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है इधर, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है, भाई काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है, एक हाथ से मैं इजीली इसको हैंडल कर सकता हूँ। और भाई बहुत ही अच्छा, 1000 के प्राइस पॉइंट से तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसके बाद मैं दिखाऊँगा ये वाला जो इधर ब्रास्टो का, इजीली इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग तो हो गया है, तो अब मैं अनबॉक्स करूंगा मेरा इजिल को। इधर देखो, ब्रास्टो का इजिल है ये, तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अंदर ये तो निकल के देखते हैं। और भाई, ये है जो प्रोडक्ट है क्रिएटिव हैंड्स का है। तो भाई, हम लोगों को पता है क्रिएटिव हैंड्स एक बहुत ही अच्छा आर्ट मटेरियल सप्लायर, जो कि भाई ज़्यादातर कलर वगैरह ब्रास्टो का जो भी चीज़ हो तो भाई वो क्रिएटिव हैंड से ही आता है, जो कि बहुत ही एक अच्छा पॉपुलर ब्रांड है। तो उधर से ही ये वाला चीज़ आया है। तो इसका प्राइस तो इधर लिखा है करीबन, देखो 2800 के करीबन लिखा है। तो देख लो कुछ इस टाइप का, इधर को इसको सेट करना पड़ेगा। और भाई, इसका वेट तो काफ़ी ज़्यादा है, क्या बताओ। इसको कैरी करने में थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, एक हाथ से कैरी भाई नहीं किया जा सकता, बहुत ही ज़्यादा वेट ही है। तो इसको अंदर से निकल के देखते हैं। और भाई, इसका हाइट भी बहुत ज़्यादा है, मैंने इसको यूज़ किया एक वीडियो में, तो आपने देखी होगी। तो इसका हाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो आज मैं इसका सारे कुछ फीचर वगैरह आपको दिखाऊंगा। इधर देखो, ये एक अंदर एक बैग के सेल, और भाई इधर लिखा पोर्टेबल, इजी, आइडियल फॉर आउटडोर एंड इनडोर। देखो ये वाला इजेल तो भाई दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, क्या बताओ। देखो, हर जगह पे क्रोम फिनिशिंग के साथ आता है। और भाई, ब्रास्टो ने इतना प्राइस ले रहा है तो कुछ अच्छा ही प्रोडक्ट दिया होगा इधर। और भाई, मैं आप लोगों को ये स्टैंड करके दिखाऊंगा, मैंने तो देख लिया इसको स्टैंड करके, तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरे ओपिनियन में, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ।
गाइस देखो दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भाई, क्या बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा सही है। देखो भाई करीबन मेरे हाइट का ही है, तो भाई इसको आउटडोर ले जाने में थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, काफ़ी ज़्यादा वेट ही है। गाइस एक बार इसको आउटडोर में लेके चला जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है काम करने में, क्योंकि भाई ब्रास्टो का जो पहला वाला इसल था जो मेरे पास था पहले, तो उसमें एक दिक्कत था कि भाई अब उसमें जो बोट का पोजिशन था ना वो भाई ऐसे था, सिर्फ लंबा करके था वो। उसमें एक दिक्कत क्या होता था भाई, आप लोगों भी जिसके जिसके पास है वो भी फेस कर चुके हो कि जैसे कि इसमें पानी वगैरह देता था उस वाले इजल में, पेपर के ऊपर पानी वगैरह देता था, वो क्या होता है झट से नीचे आ जाता था भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है कि भाई इजल सिर्फ इधर खड़ा ही रहता था, तो उसमें ये वाला जो वाटर का जो मूवमेंट वगैरह रहता है जैसे कि ऐसे ऐसे करके, ये वाला मूवमेंट उधर नहीं होता था भाई। इस वाले इजल में भाई एकदम ओपी वाला बात यही है, जो आपको चाहिए वही सब कुछ आपको इधर मिलेगा, कि आपको ऐसे भी मूव कर सकते हो ऐसे भी मूव कर सकते हो भाई, एकदम ओपी वाला है। और भाई एकदम लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ आता है ये वाली इजल भाई, काफ़ी मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया भाई, काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस भी है, उसका प्राइस करीबन आता था 600 या 700 रुपीज़ का, अभी भी आपको अमेजोन में मिल जाएगा वो वाला इजल, बट ये वाला इजल तो एकदम प्रीमियम फीलिंग वाला है भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्या बताऊँ, अभी तक जो जो मैंने इजल यूज़ किया है उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट है भाई, जो जो भी मैंने इजल इधर देखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड लोग मेरे यूज़ करते थे, तो भाई उसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट ये ब्रास्टो का ये वाला इजल है। तो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, बट जो प्रोडक्ट है ना एकदम अच्छा क्वालिटी का है, तो आप लोग चाहो तो ज़रूर खरीद सकते हो। और गाइस मैं एक बात आपको बताना भूल गया, और भाई आप इसके ऊपर इजीली कोई कैनवास वगैरह भी माउंट कर सकते हो, जैसे कि ऑयल पेंटिंग के लिए बड़ा वाला जो कैनवास वगैरह होता है ना, तो भाई आप उसको इजीली इसके ऊपर रख के कैनवास में भी ऑयल पेंटिंग कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक ओपी वाला बात होता है। एक ईजल खरीद लो और भाई इससे ही आपका सारे काम वगैरह हो जाएगा। और भाई ईजल वगैरह दिखाना तो हो गया, तो अब मैं दिखाऊँगा मेरा कुछ पेपर वगैरह। तो इधर देखो, इधर है मैस्ट्रिया क्लासिक, और भाई इधर है मॉन्टवेल का कैंसन, तो भाई तो मैंने रिसेंटली परचेस किया है कैंसन का कुछ पेपर वगैरह, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में आता है, क्या बताऊँ। तो इधर आप लोगों के लिए और एक सरप्राइज़ है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बेस्ट वाटर कलर पेपर जिसको माना जाता है, वही मेरे पास एक मैंने परचेस किया है, जो कि इसका नाम है अर्चिस। तो उसका क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा हाई है भाई, इसका प्राइस इतना ज़्यादा हाई है, एक सीट मुझे परचेस करने का पड़ा करीबन 600 रुपीज़, एकदम सोचो भाई एक सीट 600 रुपीज़ का आता है इसका। तो दिखाऊँगा आप लोगों को सभी, तो स्टार्ट करते हैं। भाई पहले मैं दिखाना चाहूँगा, देखो भाई ब्रास्टो का जो आता है 25% कॉटन वाला पेपर एक आता है कोल्ड प्रेस्ड का, तो इसका करीबन 25 सेट एक साथ आता है। देखो A4 साइज़ में आता है 300 GSM के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक पेपर है 25% कॉटन वाला, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। इसमें से मैंने काफ़ी ज़्यादा पेपर यूज़ भी कर लिया है, सिर्फ एक पेपर बाकी है अभी यूज़ करना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला पेपर, मुझे चल जाएगा अच्छा खासा है। तो उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा ब्रास्टो का कुछ ये वाला पेपर, ये वाला जो पेपर है ना ये A3 साइज़ में आता है। देखो भाई ब्रास्टो A3 300 GSM ब्रास्टो का ब्रांडिंग भाई, 25% एक्स्ट्रा है, 4 सीट के साथ 1 फ्री में आता है। और भाई इधर देखो लिखा है एकदम 100% कोल्ड प्रेस, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वाटर कलर पेपर है, मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और भाई इसमें का प्राइस भाई क्या बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा हाई है। मैंने सिर्फ ये वाला जो पैड आता है ना करीबन, देखो एक फ्री है, तो भाई 5 सीट का जो पैड आता है इसका प्राइस था करीबन 600 के रुपीज़ के अराउंड, 550 के अराउंड, ठीक है भाई, काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस का पेपर है। तो इसमें से कुछ मैंने यूज़ किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कुछ काम वगैरह इसके ऊपर कैसे काम होता है। तो कुछ काम इसके अंदर ही रखा है, और भाई कुछ पेपर अभी भी खाली है, तो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं दिखाना चाहूँगा ये वाला वास पेंटिंग, तो भाई ये वास पेंटिंग तो आपने देखा ही होगा, जो जो भी मेरा वीडियो फॉलो करते हैं तो उसने देखा ही होगा ये वाला वास पेंटिंग। तो ये भी मैंने ब्रास्टो के पेपर के ऊपर किया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है भाई। ये जो 100% कॉटन वाला पेपर है ना, इसका ग्रेन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप लोग देख सकते हो करीब से। और भाई क्या बताऊँ, जब इसके ऊपर आप लोग कलर वगैरह करोगे, जब यूज़ करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि भाई पेपर कितना ज़्यादा अच्छा है, कि भाई 100% कॉटन का मतलब ही कुछ और होता है। तो क्या बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा अभी तक जो जो मैंने पेपर यूज़ किया है सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे ये वाला पेपर ब्रास्टो का 100% कॉटन वाला A3 साइज़ का, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्या बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो और एक काम दिखाता हूँ, वो तो हो गया वास पेंटिंग, तो एक वाटर कलर का भी काम है मैं इसके ऊपर, तो दिखाता हूँ आपको। तो देखो
ये वाला जो काम है ना भाई, ये भी मैंने इसके ऊपर ही किया है A3 साइज में। देखो भाई, मेरा जो कॉलेज का बैग था वो मैंने किया है। और गाइस कमेंट में जरूर बताओ कि काम कैसा लग रहा है। जो पेपर है ना भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तक जो जो मैंने पेपर यूज़ किया है, सबसे ज़्यादा बेस्ट फीलिंग मुझे यहीं पर आया है ये वाला पेपर के अंदर। तो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, करीबन इसके इस हिसाब से A3 साइज़ का 5 सीट का प्राइस इसने ले रहा है 600 के रुपीज़ के अराउंड। भाई काफ़ी ज़्यादा हाई होता है ये वाला प्राइस। तो पेपर का क्वालिटी के हिसाब से सही है भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेपर है। और भाई ये जो पेपर है ना भाई, ये हमारा इंडिया का पेपर नहीं है, इधर इम्पोर्ट करना पड़ता है। देखो पेपर मेड इन इताली। तो भाई ये भी क्रिएटिव हैंड्स का ही आता है, जैसे कि मैंने ऑर्गेनाइज ब्रश्टों का हर एक चीज़ क्रिएटिव हैंड्स के अंदर ही आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो देख लिया कुछ काम वगैरह। तो भाई अभी कुछ 2 या 1 सीट बाकी है, तो इसके ऊपर भी काम करूँगा, तो वो भी आपको दिखाऊँगा वीडियो करके। तो ये पेपर अभी तक मेरा बेस्ट पेपर है, जो जो पेपर यूज़ किया। और गाइस आप इसको परचेस करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो भाई ये A4 साइज़ का भी मिल जाएगा, और भाई A3 साइज़ का जो प्रीमियम वाला पेपर आता है उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको अमेजोन से इजिली परचेस कर सकते हो। बाद में डिस्कस करूंगा, देखो माउंट वेल का कैंसन पेपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एक ब्रांड है। और गाइस आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी सब कुछ जो पेपर वगैरह है भाई बाद वाले वीडियो में दिखाऊंगा। इस वाले वीडियो में दिखा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो, तो भाई वीडियो इतना ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, तो बाद वाले वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर दूंगा। जैसे कि और भी ज़्यादा पेपर है मेरे पास, कैंसन हो गया, मैस्ट्रिया हो गया, नॉर्मल हैंडमेड ब्रश्टों का और भी कुछ पेपर वगैरह है, और भाई आर्चेस भी है, तो उन सबको लेकर डिस्कस करूंगा, उनके ऊपर मेरा कुछ काम वगैरह दिखाऊंगा, तो मेरा ओपिनियन दूंगा कि आपको कुछ खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करूंगा उसके ऊपर। तो भाई तो बाद वाले वीडियो का सब कुछ दिखाऊंगा। और भाई ये वाला जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा और भाई हेल्पफुल वगैरह लगा तो कमेंट में ज़रूर बताओ। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, चैनल पर जो नए हो भाई अब तो पता है आपको क्या क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट वगैरह जो कुछ भी आता है सब कुछ कर दो। अच्छा वीडियो सब इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, बाय।